दोस्तों, इस वीडियो में सीखेंगे कि टैक्स ऑडिट कैसे आपको साइन करना होता है चार्टर अकाउंटेंट को। तो रेगुलर अपडेट के लिए आप सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, सबसे पहले आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन करना है अपने पैन नंबर के साथ। उसके बाद आप ऑथराइज पार्टनर पर जाएंगे, यहाँ पे माई चार्टर अकाउंटेंट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे यदि आपका सीए ऑलरेडी ऐड होगा तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। यदि आप नए सीए को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड सीए बटन पे प्रेस करेंगे। उसके बाद उसका मेंबरशिप नंबर डाल के उसे ऐड कर लेंगे। तो यदि आपका सीए ऑलरेडी एडेड है तो आपको यहाँ पे असाइन फॉर्म में जाके नहीं असाइन करना है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं आती है टैक्स ऑडिट फॉर्म को असाइन करने के लिए। इसके लिए आपको ई फाइल में जाना है, इनकम टैक्स फॉर्म में जाना है, यहाँ पे फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पे प्रेस करना है। उसके बाद पर्सन विद बिजनेस एंड प्रोफेशनल इनकम की जो पहली टैब है यहाँ पे आप स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट पे प्रेस करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये रिपोर्ट आ गई है, रिपोर्ट ऑफ ऑडिट ऑफ अकाउंट पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो यदि आपका सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत ऑडिट होना है तो आप 3CB 3CD साइन करेंगे। यदि किसी और एक्ट के अंतर्गत भी ऑडिट होना है, जैसे कि कंपनी एक्ट के अंतर्गत ऑडिट होता है, तो 3CA 3CD आपको साइन करना होता है। तो यहाँ पे हम 3CB 3CD यहाँ पे क्लिक करेंगे फाइल नाउ पे। तो यहाँ पे आप ओरिजिनल जो है टैक्स ऑडिट करवा रहे हैं फाइलिंग टाइप में, तो यहाँ पे आप असेसमेंट ईयर चूज़ कीजिए। यहाँ पे जो सीए का नेम है वो ड्रॉप डाउन लिस्ट से आ जाएगा, क्योंकि आपने सीए ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। उसके बाद आप यहाँ पे अटैचमेंट कर सकते हैं, आप जिप फाइल में अपने PDF या जो बैलेंस शीट है वो अटैच कर दीजिए और उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। तो उसके बाद जो सीए है वो ऐड हो चुका है और ये जो रिक्वेस्ट है वो सीए को चली गई है, तो सीए को आप लॉगिन करके इसको एक्सेप्ट करना होता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। यदि आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाए। इनकम टैक्स की और अधिक जानकारी के लिए आप सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में कौन से नए बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अपडेट के अंतर्गत या फिर डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप सीए सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।